किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, शिवराज सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत गेहूं, चना, मसूर, सरसों और मूंग के बाद अब अतिवर्षा से प्रभावित बाजरा की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। इसके लिए सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है और विशेष अनुमति मांगी है। दरअसल इस साल जून से लेकर अगस्त तक मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई थी। इसमें ग्वालियर चंबल संभाग में तो बाढ़ आ गई थी। ऐसे में जन जीवन को अस्त व्यस्त तो हुआ ही, लेकिन बाजरा की फसल जमकर प्रभावित हुई। कई जगह पर बाजरा काला पड़ गया तो कई जगह दाना छोटा रह गया। इसके चलते 29 नवंबर से शुरू हुई समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2,250 रुपए पर खरीदी रोक दी गई। ऐसे में किसानों के विरोध और भारी नुकसान को देखते हुए शिवराज सरकार ने फिर से खरीदी शुरू करने का फैसला लिया है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ। जय भारत।